नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष श्री मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। एमएस बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कश्मीर में आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वालों की भी कमी नहीं है और आपसे ज्यादा आतंकवाद का कोई शिकार रहा नहीं। ये जो हालात हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? पहले आतंकवादी हमले होते थे, जवानों के सिर कटते थे, जवानों पे गोलियां चलती थी, चौकियों के हमले होते थे, तो हम मुशर्रफ साहब को ताजमहल में कारपेट के लाल कारपेट से स्वागत करते थे और बातचीत चलती थी। ये कई वर्षों के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद, ये एक पहला वक्त आया है कि गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। एक गोली पाकिस्तान से चलती है, 100 गोली का जवाब दिया जाता है। दो चौकियां तबाह करने की कोशिश करते हैं तो उनकी 15 चौकियां तबाह की जाती हैं। 14 जवान धोखे के साथ शहीद करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके 45 आतंकवादियों को ठोक के जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आते हैं। अगर पत्थरबाज हैं, पत्थर चलाते हैं, तो गोगोई जैसे मेजर उस पत्थरबाज को जीप में बांध करके घुमाते हैं। और हम आगे कहना चाहते हैं कि कानून ऐसा ही बनना चाहिए, पत्थरबाजों को जीप पे बांध करके घुमाना चाहिए। पत्थर चले, पहले पत्थरबाज पे चले, फिर जीप पे चले, फिर हमारे जवान पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। गोली का जवाब डट करके पाकिस्तान को, आतंकवादियों को दिया जा रहा है। आप पर खुद पर हमले हुए, 1992 में हुआ, 1993 में हुआ, अब बच पाए, लेकिन आपके साथ वाले जो लोग थे मारे गए, वो मंजर याद आता है जब भी इस तरह की घटनाएं हो? मेरे ऊपर 14 बार हमले हो चुके हैं। 15 अगस्त का दिन याद आता है। जब जब 15 अगस्त याद आती है तो मैं खून खौलता है। पहला जो हमला हुआ था 15 अगस्त आज़ादी के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए, जब हरिमंदर साहब के अंदर आतंकवादियों ने कहा था बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा बम्बों से उड़ा देंगे, हमने उस चैलेंज को कबूल किया था। आतंकवादियों ने सुबह बम ब्लास्ट किया, तिरंगा झंडा नहीं लहराना, हमने लहराया, हमने उस बम्बों की परवाह नहीं की। तो ये जवान जो शहीद होते हैं, मुझे याद तो उनकी रहती है, पर ये मातृभूमि की आज़ादी की एक रक्षा है, उसको हमने पूरा करना है। जरूरी ये नहीं है कि फोर्स के जवान ही कुर्बानियां देते रहेंगे। हमारी तरह लोग निकले, वर्दी के बगैर भी हमने लड़ाई लड़ी, वर्दी के बगैर भी लड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे नरसिम्हा राव के वक्त में, आपको लग रहा है कि उस वक्त कुछ कार्रवाइयां इस तरह से होती तो ज्यादा बेहतर होता? नरसिम्हा राव के टाइम पे पंजाब को अमन शांति मिला, नरसिम्हा राव के टाइम पे कश्मीर के आतंकवाद समाप्त हुआ, नरसिम्हा राव के टाइम पे असम का आतंकवाद समाप्त हुआ जी। अब उसके बाद फिर आतंकवाद बढ़ा। अगर आज आतंकवाद पे कंट्रोल किया जा रहा है या उससे लड़ाई लड़ी जा रही, मैं मानता हूं कि हमारे जवान शहीद हो रहे, पर दूसरी तरफ ये देखना पड़ेगा, पिछले एक महीने के अंदर 115 आतंकवादियों को ठोक डाला। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर मैं ना बीजेपी से तलक, ना मेरा नरेंद्र मोदी जी से तलक, पर नरेंद्र मोदी जी की उस पॉलिसी के मैं साथ हूं जो 14 जवानों का बदला लेके छूट देते हैं अपने जवानों को कि पाकिस्तान में ठोक के आना है। मैं उस नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं जो गोली का जवाब गोली देने के लिए हमारे जवानों को फ्री हैंड छोड़ा। मैं उस नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के साथ हूं। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, गोली का जवाब गोली है। मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उनको हमारा सलूट है। कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के आप नाराज हैं, इसलिए आप बयान देते रहते हैं। बिल्कुल, मैं कभी ऐसा बयान नहीं दिया। राहुल गांधी अच्छे, एक सीरियस पॉलिटिशियन है, मैं उनको कभी सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ कभी नहीं बोला हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर, हाँ, दिग्विजय सिंह, कपिल छिब्बल, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, जो अभी राहुल गांधी जी को चाइना के एम्बेसडर को मिलाने ले गए, जो जेएनयू के अंदर ले गए, राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं है। सवाल ये है कि मैं उनकी पॉलिसी के वो खिलाफ हूं जो दिग्विजय सिंह बार बार कहते रहे, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। क्या पूरे हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादी हो सकता है क्या? सवाल सबसे बड़ा ये है। आप विद इन कांग्रेस रहे, कभी सवाल खड़ा किया आपने? हम जितना हो सकता उनको चिट्ठियां लिखी, उनको कहा। अब हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा कि उनके हाथ पैर जोड़े वाए,
जो मेरा कुर्सी सता मकसद ही नहीं है, मेरा मकसद मातृभूमि की सेवा करते हुए बार बार अपने उनके चरणों में जीवन देना। मैं इन चक्रों में क्यों पड़ूंगा, अपना सुझाव था कई बार दिया, नहीं माने तो नहीं माने, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। मैंने अपने लाल खून से गिरा करके कांग्रेस के दफ्तर ने, मैंने मौत से दोस्ती कर ली, इन्होंने सबने कुर्सी सता से दोस्ती कर ली, मैं अकेला रह गया, ये कुर्सी सता वाले एक हो गए, फर्क कितना है। कुर्सी सता मेरा मकसद नहीं, मेरी मातृभूमि मेरा मकसद है, मेरा वंदे मातरम मेरा मकसद है। अगर नरेंद्र मोदी मातृभूमि और वंदे मातरम और जवानों के लिए और सरहदों की सुरक्षा करता है तो मैं उसका उसके साथ हूँ, मैं उससे उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मातृभूमि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों जात पात कास्ट धर्म मतलब से आगे है। अच्छा, मानवाधिकारों के इस दौर में जब पूरी दुनिया मानवाधिकारों की बात करती है तब आप बुलेट फोर बुलेट की बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए, यहाँ अनंत पाल मारा गया पुलिस की गोलियों से, इनकाउंटर से मारा गया, उसने कितने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। हमारे राजस्थान के वो जवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं, वो जवान जो सीमाओं की सीआरपी फौज में जाके सुरक्षा करते हैं, कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया। इसके बात करेंगे बिट्टा साहब, अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के साथ सीधी सट। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आतंकियों से लोहा लेने वाले श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बिट्टा साहब, बात चल रही थी बुलेट फॉर बुलेट की, आपने ये बात कही थी उत्तर प्रदेश के दौरे में, अभी तो बात होती है मानवाधिकारों की और आप कहते हैं कि नहीं बुलेट चलेगी। आप मुझे ये बताइए, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, हमारे जवानों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे जवानों पर सिर कट जाते हैं, उस वक्त ह्यूमन राइट कहां है? ह्यूमन राइट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारे जवानों का कत्लेआम करते हैं, जो हमारे बहनों के सुहागों को उजाड़ते हैं, जो जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हुए कुर्बान हो जाते हैं और उनकी बॉडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लाल खून पे उनके बच्चों के सामने आती है, उस वक्त ह्यूमन राइट कोई खड़ा नहीं होता। अनंत पाल, उसने कई हमारे पुलिस के जवानों को शहीद किया है, उसने कई बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, आज उसको पुलिस ठोकती है तो एक कौम इकट्ठी हो जाती है। इन सबको पूछना चाहता हूं, जितने भी पूरी कौम किसी के पूरी कौम की मैं कौम की बात कहूंगा, मैं पंजाब का सिख हूं, आप मुझे क्या मानते हैं? एक भारतीय मानते हैं, मुझे सिख बाद में मानते होंगे, पर आपके विचारों से लगता है मुझे सबसे पहले कहेंगे मैं भारतीय हूं। और मेरे से कई बार सवाल पैदाइशी तो भारतीय है, मेरे से सवाल कई बार पूछते हैं तेरा धर्म क्या, मैं कहा मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुआ, जब बम्बों गोलियों से दोबारा इस मातृभूमि के लिए जाऊं मेरे मुंह से इतना निकालना वंदे मातरम भारत माँ की जाए, कास्ट धर्म लाल ये तो करोड़ों हम इकट्ठा कर ले। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये जो ठेकेदार कास्ट धर्म कास्ट के मजहब के ठेकेदार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इनको पूछना चाहूंगा, कारगिल का युद्ध हुआ, 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, अभी तक जवानों की खून से लथपथ बॉडी आती है, वो बहादुर राजपूत राजपूत बहादुर राजपूत उनकी शहादतें मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए नक्सलाइटों से लड़ते हुए अभी भी बॉडियां उन राजपूताना घराने में आती हैं, वो बहादुर जिनको मेरा सलूट है, जिनके ऊपर गर्व करते हैं, पर ऐसे राजनीतिक लोग क्रिमिनल अनंत पाल के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, उन शहादतों का अपमान करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी देते हैं। एक तरफ क्रिमिनल, नहीं मेरी बात, एक तरफ क्रिमिनल बेगुनाहों का कातल, एक तरफ वो बहादुर राजपूत जिनके कारण हमारा भारत वर्ष उनकी कौम उनकी मदद के ऊपर खड़ा है, उनका ये अपमान करते हैं। चार ठेकेदार याद रखिएगा, उसका एनकाउंटर लेट हुआ, मैं अगर पुलिस अधिकारी होता उस एरिए के अंदर सबसे पहले उसको मैं ठोकता, टोपी कपड़े आसपास पुलिस, ये तो दाऊद इब्राहिम का बाप बन चुका था, ये राजस्थान है टूरिस्ट प्लेस है, फॉरेन से दुनिया आती है, राजस्थान टूरिस्ट चलाता है, ऐसे क्रिमिनल अगर 10 पैदा हो जाए राजस्थान से कहां से टूरिज्म आएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा जयपुर अपना राजस्थान का। सवाल नहीं, ये कहना है कि कानून को थोड़ा तोड़ सकते हैं और डाउट उनको ये कि फेक एनकाउंटर, डाउट तो सारे पंजाब के अंदर भी डाउट थे, मेरे ऊपर जिसने बम ब्लास्ट से हमला किया देवेंद्र पाल भुल्लर बाहर आ गया, सब कहते थे ये भी बेगुनाह था, इंदिरा गांधी के ऊपर हमला करने वाले बेगुनाह थे, राजीव गांधी के ऊपर हमला करने वाले बेगुनाह थे, ये तो सारे कहते, वाय
हमारी सुनने वाला कोई नहीं, उसके लिए कानून, कानून क्या? जब पुलिस के जवानों को गोलियां लग जाती, जब हमारे ऑफिसर शहीद हो जाते, तो फिर क्या था? ये है कि पुलिस के जवान को एक को गोली लगी पर उसको ठोक डाला, अगर ना ठोकते हमारे कई जवान शहीद हो जाते, फिर क्या होता? फिर यही कहते मतलब आप उसके पक्ष में एनकाउंटर जो आनंद पाल का हुआ? बिल्कुल, मैं कहता हूं देरी हुई है, ये पहले होना चाहिए था। ये कोई मदब कौम में नहीं आता, याद रख रही है, क्रिमिनल आतंकवादी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिमिनल है। लेकिन वो आतंकवादी नहीं, आतंकवादी हो, क्रिमिनल कोई हो, ये आतंकवादियों से कम था क्या? दहशत फैला रखी, इतना बड़ा पीसफुल। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में जो घटना हुई भोपाल की जेल में जी, सिमी कार्यकर्ताओं को लेकर के जी, उसमें भी आप तुरंत शिवराज? मेरा ये काम है, अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, मारेंगे, बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, बहनों के सुहाग उजाड़ेंगे, वाह, ये क्या मजाक है? हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? किसी की हिम्मत है क्या कि हमारे मातृभूमि की तरफ देख ले? हमने जाके चैलेंज किया, खड़े हुए, हमसे बहस कीजिए, किसने करनी है? किसी की हिम्मत नहीं हुई बहस करने की, सत पे खड़े हैं। आतंकवादियों के लिए, क्रिमिनल के लिए, सारी कौम, मजहब, सब लोग, पॉलिटिशियन वोट बैंक की खातिर इकट्ठे हो जाए, जवानों के लिए कौन खड़ा होगा जो हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हैं? उसके लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप अभी भी उस पर ही टिके हुए हैं कि बुलेट फॉर बुलेट होना चाहिए? अरे क्यों नहीं, हमारे जवान, लेकिन अभी तो ह्यूमन राइट्स का दौर है। कौन सा ह्यूमन राइट जिनको बाहर से फंडे पूरी दुनिया, अरे बताता हूँ, पूछता हूँ, ह्यूमन राइट कौन सा कह रहे हैं आप? ह्यूमन राइट जिनको बाहर से फंडिंग आती है, ह्यूमन राइट वो जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट का नाम तो बताइए। लाखों एनजीओ खुल चुकी है ह्यूमन राइट, इन ह्यूमन राइट को मैं सबको चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर ये कारगिल के शहीद, अगर ये पार्लियामेंट में जो शहीद हुए, इन जो हमारे अभी भी जवान शहीद होते हैं, अगर ह्यूमन राइट उनके एक लिए खड़ा हुआ है तो मैं इनसे क्षमा मांगूंगा। जब हमारे जवानों के, जिनके सिर कट जाते हैं, गोलियां खाते हैं, पत्थरबाज जवानों पे हमला करते हैं, उस वक्त तो ह्यूमन राइट आता नहीं। जब एक क्रिमिनल, एक आतंकवादी मारा जाता है, फांसी लग जाती है, ह्यूमन राइट खड़े होके आ जाते हैं, वाह ये मजाक क्या है, ये एक साजिश है। अगर किसी जवान के लिए, परिवार के लिए ह्यूमन राइट खड़ा हुआ है, किसी मेरी बहन का सुहाग उजड़ा, उसके घर में गया है, तो ह्यूमन राइट को सल्यूट करूंगा। अगर गया ही नहीं तो इनका एक पेशा है, पैसे की फंडिंग है, फंडिंग आती है इनको, ये मामला है और कुछ नहीं। यानी ह्यूमन राइट को लेकर के आप सहमत? ह्यूमन राइट नाम क्या है मुझे बताओ ना, कोई भी घर में संस्था बना ले ह्यूमन राइट, मेरे से अगली बार आऊं चैनल पे 50 ह्यूमन राइट वाले बुला लीजिए, अगर मैं हार जाऊं मुझे आप सजा दे देना, सजाए मौत दे देना, अगर इनको हरा के ना भगाया आपके चैनल से मेरा ना बिट्टा नहीं, सच की सच और झूठ का पता चल जाएगा। आप मेरे से पूछते हो, जारी रहेगी, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे श्री मनिंदर जीत सिंह बिट्टा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आज हमारे साथ हैं जिंदा शहीद श्री मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। बिट्टा साहब, बुलेट फॉर बुलेट पे भी आपने बात कह दी अपनी कि उसके ऊपर आप कायम है, आप ह्यूमन राइट्स के भी पक्ष में नहीं है, चाइना और पाकिस्तान को लेकर के आपका क्या है मानना? पहले चाइना कुछ भी करता रहता था चारों तरफ, उसका जवाब नहीं मिलता था। अब चाइना ये ना समझे ये 1965 का भारत है, आपने खुलेआम पहली बार हमारे बॉर्डर के ऊपर देखा होगा कि हमारे किस तरीके से जवानों ने हथियारों के बगैर जफ्फा मार के चाइनियों को भगाया, आधा इंच चाइना के पैर वहां नहीं पड़ने दिया, उसका जवाब दिया और चाइना को यह बता दिया ये 1965 का भारत नहीं है, जंग चाहोगे तो गोली का जवाब गोली मिलेगा, पर मातृभूमि की सीमाओं की आधा इंच का हिस्सा ना चाइना में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में जाने दिया। तो कर रहे हैं अरुणाचल में की, अभी उत्तराखंड में की, ऐसा है उसका जवाब दिया जा रहा है। अगर हमारी आज फोर्स, अगर आज नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी सख्त ना होती अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जवानों की रक्षा के लिए, देश के लिए, तो आज चाइना पाकिस्तान कहां पहुंच जाता? आज डट के मुकाबला किया जा रहा है हर चीज का, और खास तौर पे सोशल मीडिया का जो नया युग आया है, नई आजादी आई है। मैं जरूर उन लोगों को कहना चाहूंगा जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, एकदम भावक ना हुआ करें। कभी जवान शहीद होता है एकदम भावक उस बात पे हो जाते हैं, सीधा प्रधानमंत्री जी को लपेट लेते हैं। मेरा प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं, ना मिला हूं ना मिलने की इच्छा रखता हूं। क्यों मिलने की इच्छा क्यों नहीं? मैं क्या करूं, मैं अपने मिशन में, मैं अपने मिशन में हूँ। नहीं, आप दोनों का मुझे कोई फिर कल कहेगा मैं पता नहीं कुछ लेने चला गया, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। मैं आप दोनों का एजेंडा एक है। नहीं, एजेंडा एक, आप पे सवाल भी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आप तो खुद आतंक का सवाल है। जब वो अच्छा काम कर रहे हैं,
जो मैं आज 18, 19, 20 साल पहले चाहता था, जो मेरा सपना था, मेरा हमारा मातृभूमि की आजादी की रक्षा करना टेररिज्म के खिलाफ, मेरा सपना पूरा हो रहा, मैं टाइम उनका खराब क्यों करूं? उनका एक एक मिनट कीमती है। मैं अपना मिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज लोगों में लगाता हूं। तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कहूं कि पूरा डट के जवाब पाकिस्तान को और चाइना को दिया जा रहा है। आपने जब ये एयरबेस पे पठानकोट में हमला हुआ, उस वक्त भी आपने इतराज जताया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं की जाए? नहीं, उस वक्त पाकिस्तान ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए नवाज शरीफ के पास, नहीं जाना चाहिए था, पर उसको उसने धोखा किया। पर नरेंद्र मोदी जी ने जा करके, जिसका हमने विरोध किया था, नरेंद्र मोदी जी ने गलत काम किया है, नवाज शरीफ को अपनी छपत पर बुलाया, गलत काम किया। पर आज पता चलता कि पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारता है, और दीनानगर और पठानकोट की घटना ने दुनिया में बता दिया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, टेररिज्म के खिलाफ हो चुकी है, एक माहौल पूरी दुनिया में बना है, अमेरिका के अंदर बना है, अमेरिका खुल के हमारी सपोर्ट में आ चुका है। पर हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों का टेररिज्म के ऊपर एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा, विचारों को अलग अलग छोड़ करके टेररिज्म के खिलाफ, पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में अमन शांति हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई, 15 साल का टेररिज्म एक साल में समाप्त किया। आज हिंदुस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हों, देश के लोग एक हों, मजहब धर्म की राजनीति सुन, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर कई लोगों की जान भी गई, एक अधिकारी को तो खुदकुशी करनी पड़ेगी, आईपीएस अधिकारी को। ऐसा है कि जो ह्यूमन राइट जो हैं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कहता टोटल वो ह्यूमन राइट कोई सरकार के हैं जो असूल कानून पे चलते हैं, वो जांच करता है, उसको आप ह्यूमन राइट कह सकते हैं। जो प्राइवेट लोगों ने बनाया उसको ह्यूमन राइट थोड़ा कह सकते हैं। नहीं, जो एक साल में आतंक पे जिस तरह से काबू किया, उसके बाद जो अधिकारी थे, चाहे केपीएस गिल हो या दूसरे जो अधिकारी हैं, उनको उसको भुगतना पड़ा। नहीं देखो, ऐसा है, हर जवान का, हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि लड़ाई जारी रखना। अब हमारे पंजाब में फोर्स के जवान कईयों को सुसाइड करना पड़ा, मैं मानता हूं, वो किस लिए करना पड़ा? ह्यूमन राइट के कारण करना पड़ा, वही कोर्ट कचहरी में परेशान करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने कर्तव्य को तो पूरा करेंगे, मंजिल मिले ना मिले, अपने कर्तव्य को हम पूरा करते रहेंगे, कितना भी हमारे कोई खिलाफ हो, पर मातृभूमि के लिए जवानों की रक्षा करते, कि बहनों के सुहागे की रक्षा, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे, उनका काम अपना करें देश विरोधी, हम राष्ट्र के लिए करते रहेंगे। नहीं, लेकिन एक मूवमेंट तो बनता है, जब खासतौर पर दिवाली आती है तब कहते हैं सब चाइनीज उत्पाद नहीं खरीदेंगे, सरकार कहती नहीं इस पर कोई पाबंदी नहीं है, चाइना के माल के। देखो दो बातें हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है ये बात कब खड़ी होती है, जब माल बाजार में आ जाता है तब अचानक एक लहर उठती है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, मुरादाबाद ले लो, पंजाब ले लो, हमारे हुनर हैं गांव में, यहां राजस्थान में गांव में ले लो, कई कई ऐसी चीजें बनती है जो दुनिया में कहीं नहीं बन सकती, हम उस हुनर को काट रहे हैं, हम चाइना की तरफ हर व्यक्ति भाग रहा है, हर चीज चाइना से लाके यहां बेच रहा है। तो एक कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआत तो की, अब लोगों को सहयोग देने की जरूरत है कि हम अपने देश की संस्कृति कल्चर को कैसे तोड़ेंगे और कैसे मजबूत करेंगे, उसको सवाल सबसे बड़ा आपके हिसाब से प्रतिबंध हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, कल को चाइना के साथ जंग हो जाती है, वैसे मैं बात करता हूं, भगवान कृपा करे ऐसे माहौल ना बने, जंग हो जाती है तो हमें चाइना की आदत जो पड़ी हुई है वो क्या करेगी? हमारे जो अपने हुनर आगे नई जनरेशनों के जो कट गए, कोई जूते बनाता है, कोई कृपाने बनाता है, कोई मीनाकारी करता है, वो तो समाप्त हो गया, रोटी कहां से खाएंगे? इसलिए हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के हुनर, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। चाइना हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, गांव में संस्कृति, शहरों में संस्कृति, उसके हुनर को कैप्चर कर रहा है, उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है मेक इन इंडिया, उस पर हर व्यक्ति ध्यान दे। हर बात नरेंद्र मोदी को कहेंगे ना, हमारा क्या कर्तव्य, हम एक भारतीय है, हम अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें जी। अच्छा, आप कारगिल शहीदों के समर्थन में लगातार जो आपका जीवन है बाकी आपने उसको समर्पित कर रखा है, शहीदों के परिवारों के बीच में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, क्या चेंज महसूस कर रहे हैं इन सालों में नई जनरेशन में? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब ये भीड़ इकट्ठी होती है आनंद पाल के मुद्दे पर, और दूसरी तरफ एक अलग तरह का ज्वार उठता है। दो चीजें हैं, ये भीड़ इकट्ठी नहीं होती, ये हम पॉलिटिशियन
कुर्सी सत्ता वोट आने वाली है। जैसे कर्नाटक के अंदर कहा गया हम अपना तिरंगा अपना झंडा बनाएंगे, राजस्थान में चुनाव है हम कास्ट और मजहब नारा देके अपने वोट बैंक को पक्का करेंगे। एक तरफ हमारे शहीद होते हैं, जो शहीद होता है वो न हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ईसाई होता है। उस वक्त जब गोली चलती चलाता है, सीने पे खाता है, उसको सिर्फ मातृभूमि दिखती है। ऐसे ही इन नेताओं को मातृभूमि पहले दिखनी चाहिए, ना कि वोट बैंक इनको दिखना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपने इतना वक्त दिया उसके लिए। तो ये थे श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिन्हें जिंदा शहीद के बतौर भी पूरी दुनिया जानती है। सीधी सट में अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।